गुड इवनिंग सभी बच्चों को प्रणाम। राधे राधे, जय हिंद, जय जोहार। आदरणीय समूह सर और जो भी शिक्षक हमारे साथ जुड़े उनको भी सादर प्रणाम, जय जोहार। चलिए, हम सभी लाइव आ चुके हैं और आप जल्दी से बता दीजिए कि क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। क्या आप तक वॉइस वीडियो सब कुछ ठीक ठाक है, अच्छे से बता दीजिए भाई, क्योंकि हमेशा का पहला क्वेश्चन तो यही होता है ना। ओके, चलिए ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल माय रिसीविंग एंटीनास। वेरी गुड इवनिंग। सबसे पहले आप गुड इवनिंग दे लीजिए, देन आफ्टर हम क्लास शुरू करते हैं। ओके, पहले आपका मैसेज देखा जाए। ऑल इज क्लियर। ओके, वेरी गुड। चलिए ठीक है, देखते हैं। आज हमें पढ़ना है रेफ्रिजरेटर के बारे में, जो सभी आप जानते हैं, देखे हैं, और थोड़ा सा वेट कर लिया करें। और क्लास के दौरान कोशिश किया करें कि कॉल ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि कॉल कर देने से पूरा जो नेट है वो डिसकनेक्ट हो जाता है। तो इसलिए कोशिश किया करें, थोड़ा सा वेट कर लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि 12th का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे आज का जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, वो मैं कल से पढ़ा रही थी। 2 दिन लगे हैं एक टॉपिक को पढ़ने में, तो ये आपको भी पढ़ना है ऐसा नहीं है, लेकिन काफ़ी मज़ेदार भी है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो आगे देखते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। प्रशीतक, जिसे हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर, प्रशीतक जिसको क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेटर, जिसको और किस नाम से हम जानते हैं, आप बता सकते हैं इसको और किस नाम से हम जानते हैं, और कौन सा हम इसको किस नाम से हम इसे जानते हैं, बताइए जल्दी से, किस नाम से हम इसे जानते हैं। फ्रीज, बिल्कुल, फ्रिज के नाम से जानते हैं ना, बहुत बढ़िया। चलिए आज हमें इसी के बारे में पढ़ना, फ्रिज के बारे में। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा है फ्रिज काम कैसे करता है? ये जो है एक उत्क्रमणीय इंजन है। उत्क्रमणीय मतलब रिवर्सिबल, जो बार बार अपने प्रोसेस को रिपीट करता हो, और जो प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है उसे हम रिवर्सिबल बोलते हैं, और जो प्रोसेस बार बार रिपीट नहीं हो सकता, मतलब बार बार क्या, वो रिपीट हो ही नहीं सकता, एक बार हो गया मतलब हो गया, दोबारा वो रिपीट नहीं हो सकता, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इरिवर्सिबल या फिर अनुत्क्रमणी। कल हमने काफ़ी डीपली इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि किस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल कहेंगे, किसको इरिवर्सिबल कहेंगे। तो ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर है, ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है, और इसमें जो इंजन होता है इसे हम कहते हैं उत्क्रमणी इंजन की तरह यह कार्य करता है। इंजन होता है मतलब ये एक उत्क्रमणी इंजन की तरह कार्य करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब हम फ्रिज से किसी वस्तु को निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हम रात में दूध को ही रख दिए फ्रिज में, तो होगा क्या, जब हम सुबह उसे उठ के निकालते हैं, या ये मान के चलिए हमने मिठाई रख दी कहाँ, फ्रिज में। अब जैसे ही हमने मिठाई रख दी है फ्रिज में, मस्त गुलाब जामुन रखा है, रात को हमने रख दिया ताकि अच्छा रहे, ताज़ा रहे, और जब हम सुबह निकालते हैं तो हमें गरम गरम गुलाब जामुन मिलता है क्या? होता है ऐसा कि हमें गरम गुलाब जामुन मिलता हो? ऐसा किसी के यहाँ है क्या, ऐसा कोई फ्रिज जो हमने फ्रिज में रखा है रात को गुलाब जामुन, और सुबह अगर हम उसे निकाल रहे हैं तो हमें गरम गुलाब जामुन मिल रहा हो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता ना। क्या मिलता है? तो हद से ज्यादा ठंडा होता है। अगर हम उस ठंडे गुलाब जामुन को खा ले तो हमारे दांत भी ठंडे हो जाते हैं, या कोई भी ठंडी वस्तु, जैसे हमने फ्रूट्स ही रख दिया, फल रख दिया, केला रख दिया, सेब रख दिया, अंगूर रख दिया, और अगर हम सुबह उठ के डायरेक्ट उसे हम खा लें, क्या होगा? अगर अंगूर है तो इतना ज़्यादा खट्टा लगेगा, इतना ज़्यादा खट्टा लगेगा, बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक तो पहले से बहुत ठंडा हो चुका है, मतलब स्वाद ही नहीं आता, उल्टा हमारे दांत क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो फ्रिज आखिर काम कैसे करता है? और ये फ्रिज जब लाइट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तभी काम करता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो काम करता है क्या? क्यों? इलेक्ट्रिसिटी अगर ना हो तो फ्रिज काम करेगा क्या? करेगा क्या फ्रिज काम अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो? तो नहीं करेगा। चलिए, काफी छोटा सा टॉपिक है और काफी
हमारे डेली लाइफ में यूज होने वाला टॉपिक है। देखिए, आपने कभी नोटिस किया होगा, मान लीजिए ये हमारे घर का फ्रिज है। इस फ्रिज में, ये फ्रिज के अंदर वाले हिस्से को हमने शो किया आपको, इस फ्रिज के अंदर हमने एक गिलास में या एक कटोरी में पानी रख दिया। फ्रिज के अंदर ना, अभी मैंने फ्रीजर में नहीं रखा है, केवल हम फ्रिज की बात कर रहे हैं। फ्रिज मतलब बाहर वाला पोर्शन जो है, फ्रीजर में तो फिर वो जम ही जाएगा। तो यहाँ पे हमने, मान लीजिए ये वाला हिस्सा आपका फ्रीजर है, इसको छोड़ दीजिए, हम यहाँ पे नहीं रख रहे हैं। हम कहाँ पे रख रहे हैं? हम बाहर वाले हिस्से, जो नीचे में शेल्फ बने होते हैं, उसमें हम रख रहे हैं। अब जैसे ही हम पानी को रखते हैं, या आपने कभी कई बार ऐसा नोटिस किया होगा, जैसे हम कुछ मैंगो जूस पी रहे हैं या कोई शेक पी रहे हैं, तो हम उसके ऊपर में क्या करते हैं, आइस क्यूब डालते हैं। आइस क्यूब मतलब बर्फ जो हमने जमाया होता है छोटा छोटा, उस बर्फ को, बर्फ के टुकड़े को हम उस जूस में डालते हैं गर्मी के समय में, और उसके बाद हम उसे पीना पसंद करते हैं, करते हैं ऐसा। लेकिन अगर गर्मी के समय में हमें पानी पीना हो, तो हम बिल्कुल बर्फ वाला पानी पीना पसंद नहीं करेंगे। क्यों? वो तो ऑलरेडी बर्फ है ना, बर्फ को पिघलने में टाइम लगेगा, फिर कब हम पानी पियेंगे? तो प्यास लग रही, प्यास लग रही, पानी पी पाएंगे क्या? नहीं। क्या करते हैं हम, फ्रिज के बाहर वाले जो जगह होती है, वहां पे हम बॉटल्स में पानी भर के रख देते हैं। वो पानी भी ठंडा होता है और हम उसको आसानी से पी भी सकते हैं, क्योंकि वो बर्फ के रूप में नहीं होता। बर्फ होगा तो फिर वेट करना पड़ेगा पीने के लिए। तो क्या करते हैं, गर्मी के समय में हम पानी की जो बोतलें होती हैं, उसमें पानी को भरकर फ्रिज के अंदर बाहर वाले शेल्फ में रख देते हैं। और अगर हमें बर्फ जमाना हो, तो हम कहाँ रखते हैं उसे? फ्रीजर में रखते हैं। फ्रीजर में वो आपको पूरा सॉलिड के रूप में मिलेगा। लेकिन जब हम बाहर हिस्से में बॉटल में पानी भर के रखते हैं, तो क्या वो बर्फ बन जाता है क्या, या लिक्विड में ही रहता है? क्या स्टेट चेंज होगा? अगर हम फ्रिज के बाहर जो शेल्फ बना होता है, अगर हम वहां पानी की बोतल को रखते हैं, तो क्या वो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा? नहीं होगा, वो पानी के रूप में ही रहेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म पे ही होगा, वो द्रव अवस्था पे ही होगा, वो सॉलिड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन उसी चीज को यदि हम कहाँ रखते हैं, फ्रीजर में रखते हैं, तब जाके वो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसीलिए कहीं से कोई आया, अगर हम उसे पूछते हैं, और कितना अच्छा लगता है जब हम गर्मी में इतनी धूप में आते हैं और अगर हमें ठंडा पानी मिल जाए, तो कितना अच्छा लगता है उस ठंडे पानी को पीने के बाद, इतना आनंद लगता है, और सामने वाले को बहुत खुश हो जाते हैं। हम सामने वाले के ऊपर, बहुत प्यास लगी थी, आपने बहुत अच्छा किया, हमको बहुत अच्छा ठंडा पानी पिलाया, बोलते हैं ना। अगर मान लीजिए कोई अनजान व्यक्ति हम इस तरह का ट्रीट करे, हम किसी के यहाँ गए हो, गर्मी का समय हो रहा, अगर कोई अनजान व्यक्ति हम इस तरह से ट्रीट करता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। बिना बोले, बिना कुछ कहे, सामने वाले ने सिचुएशन को देखा और उसने समझा और हमें पानी पिलाया, होता है ना ऐसा? तो बस वही है। तो आप यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, जब उस पानी को हम बाहर रख देते हैं, जैसे मान लीजिए ये जो कटोरी में पानी रखा है, इसे हम फ्रिज में नहीं रखते, हम यहाँ से बाहर एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में रख देते, मतलब ये हमारा जो वातावरण या वायुमंडलीय जो ताप है, हम यहाँ पे रख देते हैं नॉर्मल। तो क्या उस पानी में, और ये फ्रिज के अंदर मान लेते हैं एक बॉटल रखा हुआ है, फ्रिज के अंदर हमने एक बॉटल रखा है, फ्रीजर में नहीं ना, फ्रिज के अंदर बोले, मतलब यहाँ पे, यहाँ फ्रिज के अंदर हमने एक बॉटल में पानी भर के रख दिया है और एक बॉटल हमने बाहर रखा हुआ है, दोनों में से कौन सा पानी ज्यादा ठंडा होगा? जो पानी बाहर रखा हुआ है वो, या फिर जो पानी फ्रिज के अंदर रखा हुआ है वो पानी, कौन सा ज्यादा ठंडा होगा? बताइए, आप ही लोग बताइए, कौन सा पानी ज्यादा ठंडा होगा? फ्रिज में जो रखा है वो ठंडा होगा, बिल्कुल ठंडा होगा। और जो हमारा बाहर रखा है, जो कि वायुमंडलीय ताप में रखा हुआ है, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर पे रखा हुआ है, वो नॉर्मल होगा। नॉर्मल होगा मतलब वो ठंडा नहीं होगा, मतलब हम उसको, ऐसा नहीं कि एकदम गर्म होगा, लेकिन वो नॉर्मल ही होगा। और गर्मी के समय में अक्सर ऐसा होता है कि पानी काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, प्लास्टिक के बाल्टी में रखा हो तो भी पानी गर्म हो जाता है, पीने पे भी ऐसा लगता है कि एकदम उबला पानी पी रहे हैं। इसी तरह, इसलिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के घड़े का यूज़ करते हैं। जिनके घर में फ्रिज नहीं होता, वो मिट्टी के घड़े का यूज़ करते हैं। जो कहीं जाते हैं, वो पानी की बोतल पे क्या करते हैं, जिसके पास अवेलेबल है वो थर्मस वाला बोतल ले जाएंगे, और जिनके पास अवेलेबल नहीं होता, जो व्यक्ति थर्मस का बोतल नहीं खरीद सकता, वो क्या करता है, आपने कभी देखा है, वो बोतल लेंगे। जैसे हमेशा आप बोलेंगे मैडम के पास बोतल रखा ही रहता है, बिल्कुल यहाँ पे ना एक बोतल पानी जो है वो रखा ही रहता है। इसलिए मैं बार बार बोतल का ही एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे ये बोतल है, इस बोतल के ऊपर में बोरा, समझते हैं ना, बोरा, बोरा को बांध देते हैं या कोई कपड़ा को बांध देते हैं। ज्यादातर बोरे का प्रयोग किया जाता है। क्यों करते हैं बोरे का प्रयोग? क्योंकि वो काफी देर तक पानी को अपने अंदर
होल्ड करके रखता है, सोख के रखता है, जिसके कारण अंदर का पानी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जो मतलब ऐसे पर्सन जिनके पास थर्मस वाली बॉटल नहीं होती है, या जो आपने देखा होगा गांव वगैरह में, जो बहुत हमारे जो दादा दादी थे वो क्या करते थे, पानी की बोतल रखते थे और उसके ऊपर इसे कोटिंग कर देते थे, किससे, बोरे से, और वो बोरा पूरा गीला होता था। और अंदर पानी पीने के बाद जब उस अंदर का पानी को आप पियेंगे, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप उसे फ्रिज से निकाल रहे हैं। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है? हमारे दादा दादी लोग ऐसा करते थे। बिल्कुल, एक बच्चे ने लिखा है खेत में नानी लेके जाती, बिल्कुल वहां कहाँ से फ्रिज होगा। तो हम ऐसा करते थे, उससे भी पानी क्या होता है, ठंडा होता है। मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते हैं जिससे पानी जो है वो ठंडा होता है। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, थोड़ा सा फोकस करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी इतनी सारी बातों में, जो पानी बाहर रखा होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, मतलब वो गर्म होता है, उसमें ऊष्मा की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन जैसे ही हम उसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं, वहां से वो पानी क्या होते जाता है, धीरे 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 ठंडा होते जाता है। और अगर वही पानी फ्रीजर में रखा हो, जैसे मान लीजिए हमें कटोरी में बर्फ जमाना है, हमने कटोरी में पानी भरा, वो पानी का टेम्परेचर नॉर्मल था, तो वो नॉर्मल मतलब गर्म था पानी, एकदम ज्यादा गर्म नहीं था, नॉर्मल था। लेकिन जैसे ही हमने उसे फ्रीजर में रखा, उसके बाद हम देखते हैं 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 2 घंटे बाद जाके हम उसको देखते हैं, तो उसमें बर्फ बनना शुरू हो जाता है। और अगर मान लीजिए बर्फ बना है कि नहीं, कैसे करके अगर हम हाथ से छूते हैं तो बड़ा ठंडा लगता है, एकदम ऐसा लगता है किनकिनाने लगता है, बोलते हैं ना, मोर दांत किनकिना हुआ थे, किनकिना हुआ थे, इसका मतलब क्या है, मतलब बहुत ज्यादा ठरा थे, बहुत ज्यादा ठरा थे, अति किनकिना थे पानी है, ऐसे बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ही ज्यादा। आपने कभी ऐसे छू के भी देखा होगा फ्रिज में। हम लोगों में एक वो होता था, जब नया नया घर पे फ्रिज आया था, कोई भी चीज जब नई होती है ना तो लगाव उससे काफी ज्यादा होता है। जब फ्रिज आया था तो उसमें आइसक्रीम अब हम घर में बनाएंगे, ये शौक था। तो हम लोग क्या करते थे, दूध पानी शक्कर वगैरह डाल के उसमें जो साचा होता था या जो कटोरी गिलास होता था उसमें रख देते थे, चम्मच डाल देते थे बीच में, ताकि चम्मच से हम उसको निकालें और कुल्फी बना के खाएं। तो बार बार हम फ्रिज खोल के देखते थे और उसको छू छू के देखते थे, जमा की नहीं, जमा की नहीं, ऐसा, क्योंकि नया था, कभी किया नहीं था, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो इसी तरह से जब जा जाके छू के देखते थे तो लगता था पहले से ज्यादा ठंडा हो गया, अब जमेगा, अब जमेगा, अब जमेगा। वो काहे के लिए जमेगा, हम बार बार फ्रिज का दरवाजा खोले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं, पूरा बाहर का जो टेम्परेचर है वो फ्रिज के अंदर जा रहा है, वो क्यों जमेगा। फिर इस तरह से काफी समय के बाद जो है वो आखिर में जमी जाता है, होता है ना ऐसा। उसी तरह आप देखिए, अब ये काम कैसे करते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्रिज क्या है। तो फ्रिज जो है एक उत्क्रमणीय इंजन की भांति कार्य करता है, अर्थात प्रशीतक, प्रशीतक कहते हैं फ्रिज, आपको नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन में प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर के नाम से आ जाए, या फिर आपको क्वेश्चन में उत्क्रमणीय इंजन को समझाइए, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। उत्क्रमणीय इंजन से आप क्या समझते हैं, इसके भागों को तथा इसकी कार्यविधि को समझाइए और इसके कार्य गुणांक के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। घुमा के भी क्वेश्चन देता है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट अगर प्रशीतक देगा तो ये तो आपके कॉन्सेप्ट में है, लेकिन वहीं पे अगर लिख देता है उत्क्रमणीय इंजन को समझाइए, तो उत्क्रमणीय इंजन में फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा है। तो वहां पे ये आपका होगा प्रशीतक, तो आप वहां पे प्रशीतक करके ही समझाएंगे। तो है क्या ये प्रशीतक या रेफ्रिजरेटर, यह एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, निम्न ताप की वस्तु से ऊष्मा को उच्च ताप की वस्तु में स्थानांतरित कर देता है। मतलब वस्तु से ऊष्मा को ले लेता है और उसे कहाँ दे देता है, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है उसे। कल हमने हीट इंजन पढ़ा था, जो हमने हीट इंजन पढ़ा जस्ट ये इसका अपोजिट है। कैसे अपोजिट है, देखिए इसमें भी 3 पार्ट्स होंगे, सोर्स होगा, हीट सोर्स, वर्किंग सब्सटेंस और सिंक। इसमें भी 3 चीजें होती हैं। पहला भाग होगा जिसको हम क्या कहेंगे, ऊष्मा स्रोत, ऊष्मा स्रोत, हीट सोर्स। फिर बीच में आएगा आपका वर्किंग सब्सटेंस, कार्यकारी पदार्थ। फिर आपका आएगा क्या, सिंक, कार्यकारी पदार्थ। और फिर आपका आ जाता है सिंक। अब यहाँ पे होगा क्या, कल जो हमने देखा था, कल हमने क्या देखा था, मान लेते इसके टेम्परेचर को T1, इसके टेम्परेचर को T2। कल हमने ये देखा था कि ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर ये कार्य करता है, मतलब ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेकर ये क्या करता है, कार्य करता है,
प्लस जो हीट बच जाता है उसको कहाँ दे देता है, सिंक को दे देता है। ये किस में हुआ था, हीट इंजन में हुआ था। लेकिन यहाँ पे इसे काम करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तब तक फ्रिज काम नहीं करेगा, लाइट बंद फ्रिज भी अपना काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ पे जो मोटर लगा होता है वो मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करता है। आपने फ्रिज के पीछे देखा होगा एक बड़ा सा ऐसे गोल, जैसे पहले टीवी आता था तो आपने टीवी के शेप को देखा होगा, सामने वाला जो हिस्सा वो तो स्क्रीन है और पीछे वाले हिस्से में उसका बड़ा सा पेट निकला होता था। होता था ना ऐसा, टीवी हमारे घर में पहले था, आपके घर में भी शायद पहले रहा होगा। अब तो फ्लैट वाला आ गया, वो बात अलग है, अब तो एलईडी आ गई है, सीधे आप उसको दीवार पे टांग दीजिए, दीवार पे लटका दीजिए और मस्त देखते रहिए। इतना पतला सा आ गया ना पहले, लेकिन पहले क्या होता था, पहले अलग अलग तरह के ओनिडा टीवी आता था, तो एलजी का आता था, तो सैमसंग का आता था, अलग अलग कंपनी के आते थे। लेकिन हर टीवी में क्या होता था, टीवी का साइज इतना बड़ा होता था, सामने वाला स्क्रीन छोटा सा लेकिन उसका साइज पीछे का देखेंगे तो इतना बड़ा, उठाने के लिए पूरा इसे उठाना पड़ता था, उठाता ना। और उसमें भी एक आदमी अगर उठाए तो बड़ा डर लगता था, कहीं छूट ना जाए, कहीं गिर ना जाए। इतना बड़ा टीवी, 22 इंच का, 23 इंच का, 24 इंच का टीवी हमारा होता था, उठाने में बड़ा डर लगता था, कहीं अपने हाथ से छूट ना जाए, पूरा टीवी खत्म हो जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब एकदम आपका फ्लैट आ गया है, एलईडी आ गया है। तो आपने देखा होगा फ्रिज के पीछे का जो हिस्सा होता है वो एक, मतलब जैसे पीछे टीवी का होता है ना पेट निकला हुआ, उसी तरह से एक टंकी बनी होती है। उस टंकी में आपको मालूम है कौन सा गैस होता है, किसी बच्चे को मालूम है, उस टंकी में एक गैस भरी होती है, उसे हम कौन सी गैस के नाम से जानते हैं। क्या लगा होता है बताओ, कौन सा गैस होता है उसमें। हीलियम? नहीं, हीलियम नहीं होता है। चलिए ठीक है, बताते हैं आपको कौन सी गैस होती है उसमें, होती है अमोनिया गैस। अमोनिया या फिर बोलते हैं फ्रियॉन, है ना, अमोनिया गैस या फिर फ्रियॉन गैस। हमेशा देखिए आप, जिनके घर में फ्रिज होता है नया नया, वो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जैसे वो फ्रिज 8-10 साल पुराना हुआ, वो धीरे धीरे, मतलब काम तो करता है लेकिन उतनी दक्षता के साथ काम नहीं करता जैसे पहले करता था। कैसे, मतलब कभी कभी होता है कि फ्रिज जो है गरम गरम, मतलब अंदर से वो गरम हो जाता है, ठंडा नहीं कर रहा है वस्तुओं को, फ्रिज का टेम्परेचर अपने आप बढ़ रहा है, मतलब वहां पे हो क्या रहा है। जो फ्रिज वस्तुओं को ठंडा रखता था, ताजा रखता था, वही वस्तुओं को मतलब गरम रख रहा है। क्यों ऐसा इसलिए होता है, कई सारे से प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन मेनली अगर हम देखें तो यहाँ पे जो गैस भरी होती है अमोनिया या फ्रियॉन गैस, अगर ये गैस खत्म हो गया तो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्किंग सब्सटेंस चाहिए, कार्यकारी पदार्थ चाहिए, और कार्यकारी पदार्थ के रूप में हम प्रयोग करते हैं इसमें अमोनिया या फ्रियॉन गैस का, अमोनिया या फ्रियॉन गैस इसका यूज किया जाता है, ये वर्किंग सब्सटेंस है। और ये गैस काफी महंगा आता है। जैसे मान लीजिए फ्रिज काम करना बंद कर दे या फ्रिज ठंडा ना करे, तो क्या करेंगे हम, उसकी टंकी को फिर से फिल करवाते हैं। लगभग 800 से 1,000 रुपए लगते हैं एक बार गैस फिल करवाने के। और अगर आपने फ्रिज नया नया लिया है तो वो फ्रिज कम से कम 8 साल तक आप आंख बंद करके चलाइए, बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करे। इसीलिए हम अक्सर बोलते हैं कि फ्रिज के दरवाजे को ज्यादा देर तक नहीं खोला जाता है। आपने देखा होगा अगर हमें कोई सामान चाहिए होता है, कोई बॉटल निकालना होता है या कोई भी सामान चाहिए, हम तुरंत फ्रिज का डोर ओपन करेंगे, सामान रखेंगे, फ्रिज के डोर को बंद कर देते हैं। कभी ऐसा आपने किया है क्या, मतलब कभी ऐसा आपने देखा है कि फ्रिज के डोर को पूरा खोल दिया जाए, जैसे हमारा दरवाजा खुला रहता है, हमारा दरवाजा तो हमेशा ही खुला रहता है, उसी तरह से फ्रिज का दरवाजा खुला रहता है क्या हमेशा, कभी नहीं। क्यों, क्योंकि अगर फ्रिज का दरवाजा खुला रहेगा तो जो अमोनिया गैस है उसका ज्यादा व्यय होगा, ज्यादा खर्च होगा और बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा। और अगर ये बहुत जल्दी खत्म हो गया तो यही तो इसका मेन वर्किंग सब्सटेंस है, अगर यही खत्म हो गया तो फिर उसको ठंडा कैसे करेगा, जो भी सामान हम फ्रिज के अंदर रख रहे हैं वहां से वो हीट को निकाल के वातावरण में वो कैसे देगा। तो इसीलिए फ्रिज का जो डोर होता है उसको ज्यादा बार बार खोलना भी नहीं चाहिए और काफी देर तक खुला भी नहीं रखना चाहिए। अक्सर जो घरों में छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बहुत बदमाश होते हैं, वो जाके फ्रिज को ही खोलते हैं। कोई भी नया बच्चा या मेहमान आया घर में, वो देख लिया फ्रिज है, बस उसको फ्रिज को ढक्कन पकड़ लिया, उसको खोल रहा है, खोल रहा है, खोल रहा है, ज्यादा हुआ तो खोल के बैठ गया वहां पे, दरवाजा खुला और वो वहां पे बैठा बढ़िया खेल रहा है, ऐसा होता है अक्सर। तो अगर ऐसा हो रहा है, मतलब आप अगर ऐसा देख रहे हैं, तो अब
फ्रिज के डोर को बंद कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो भरी गैस होती है काफ़ी महंगी होती है, और अगर ये ना रहे तो फ्रिज हमारा काम करना बंद कर देगा, इसीलिए फ्रिज के डोर को ज़्यादा देर तक खुला नहीं रखा जाता। अब हम बात करते हैं सिंक का। सिंक किसको कहेंगे, स्रोत किसको कहेंगे? जस्ट अब ये होता है उल्टा। ये क्या होता है, सिंक से कुछ ऊष्मा को ग्रहण करता है, अवशोषित कर रहा है। सिंक से ऊष्मा को क्या कर रहा है, अवशोषित किया। अवशोषित करने के बाद इसे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जिसके कारण विद्युत मोटर इस वर्किंग सब्सटेंस पे काम करता है। ये अमोनिया गैस क्या करेगा, वर्किंग यहाँ से हीट लिया, मतलब ये जो हीट है सिंक जो है, हमारा जो भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए जिस पदार्थ को हमें ठंडा करना है, जैसे मान लीजिए बर्फ बनाना है हमें, तो पानी हम रखेंगे एक कंटेनर में या एक गिलास में, हमने पानी रखा है ये द्रव अवस्था में नॉर्मल टेम्परेचर पे, हमने इसको फ्रिज के अंदर रखा, मतलब फ्रीजर में रखा। तो फ्रीजर से क्या होगा, यहाँ से जो इसका टेम्परेचर है उस ऊष्मा को वो निकालेगा, तब तो वो ठंडा होगा भाई। मान लीजिए वातावरण के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पे है, जस्ट एक हमारा एग्जाम्पल लेते, ये हमारा क्या है, वायुमंडलीय ताप है। अब ये हमारा एटमोसफियर का जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है, उस पर हमने पानी को रखा हुआ है। अब यहाँ पे पानी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन पे है, ना ज्यादा गर्म है ना ज्यादा ठंडा है। अब जैसे हम इसको फ्रीजर में डालते हैं, तो कुछ समय के बाद 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद अगर हम पानी को उसे छुएं तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडा लगेगा। क्यों ठंडा हुआ, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम हो गया। टेम्परेचर कम हुआ मतलब यहाँ का जो हीट था, इस पानी की जो ऊष्मा थी, उसको निकाल लिया गया है। निकालने के बाद उस ऊष्मा को कहाँ दिया जाएगा, उसे दिया जाएगा स्रोत को। Q1 ऊष्मा जो है वो स्रोत को दे दिया जाता है, मतलब ये जो Q1 ऊष्मा है ये बराबर होगा किसके, वर्क डन के प्लस अवशोषित की गई ऊष्मा के। याद रखिएगा, वर्क डन प्लस अवशोषित की गई ऊष्मा, किया गया कार्य और अवशोषित की गई ऊष्मा। एक चीज यहाँ पे ये होता है, ऊष्मा इंजन में क्या होता था, थोड़ा सा हम कंपेयर करें ऊष्मा इंजन से। ये हमारा ऊष्मा इंजन का हमने यहाँ पे बनाया है, ये है सोर्स, ये है वर्किंग सब्सटेंस, और ये हमारा है सिंक। यहाँ से क्या हो रहा, ऊष्मा इंजन से Q1 ऊष्मा ये ले रहा है, उसके बाद ये कार्य कर रहा है ना, उसके बाद ये क्या क्या काम किया, मतलब इस वर्किंग सब्सटेंस यानी कि इस युक्ति के द्वारा कार्य किया गया। और उसके बाद Q2 ऊष्मा को किसको दे दी गई, सिंक को दे दी गई इस कंडीशन पे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ इस मशीन पर कार्य किया जाता है। मशीन पर कार्य कैसे किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी, जब तक हम उसका वायर कनेक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, तब तक मोटर काम नहीं करेगा। मोटर तभी काम करेगा जब उसे विद्युत ऊर्जा मिल रही है। जब उसे विद्युत ऊर्जा मिल रही है तो वो क्या कर रहा है, उसे यांत्रिक कार्य में परिवर्तित कर रहा है, और तब जाके अब ये यांत्रिक कार्य में परिवर्तित हुआ, और जो भी वस्तु है वहां से ऊष्मा को अवशोषित करके उस बाकी ऊष्मा को किसको दे देगा, उसकी जो एक्स्ट्रा हीट है उसको किसको दे देगा, सोर्स को दे देगा। सोर्स का काम कौन सा करेगा, हमारा वायुमंडल। जैसे हमने फ्रिज रखा है, तो फ्रिज में जो सामान हमने रखा है, जैसे मान लीजिए ये पानी है, ये पानी कहाँ रखा है, फ्रिज में रखा है, तो ये जो है ये हमारा काम करेगा किसका, सिंक का। ये जो पदार्थ है, ये जो वस्तु है, ये हमारा सिंक का काम करेगा। बाहर का जो वातावरण है ये हमारा काम करेगा किसका, सोर्स का काम करेगा। और जो अमोनिया गैस भरी है ये कब काम करेगी, जब इसे इलेक्ट्रिसिटी दिया जाएगा, मतलब इस मशीन पे कार्य किया जा रहा है, और यहाँ पे मशीन के द्वारा कार्य किया जा रहा है। यहाँ मशीन के द्वारा, जैसे जनरेटर मैंने आपको बताया, जनरेटर के लिए क्या कर रहे हैं, जब डीजल डाल रहे तभी वो काम कर रहा है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, हो रही ना। यहाँ पे पेट्रोल है तो हमारी गाड़ी आगे बढ़ रही है, तो यहाँ मशीन काम कर रहा है, और यहाँ मशीन पर काम किया जा रहा है, कब, जब हम उसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो बाहर वायुमंडल या स्रोत को दी गई ऊष्मा होती है, वो किए गए कार्य और इस वस्तु से ग्रहण की गई ऊष्मा के योग फल के बराबर होता है। समझ में आ रहा है, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है। सिंक का काम कौन करेगा, सिंक का काम कौन करेगा, वस्तु करेगा। स्रोत का काम कौन करेगा, हमारा वायुमंडल करता है। और कार्यकारी पदार्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, अमोनिया या फिर फ्रियॉन गैस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जस्ट अपोजिट है ना, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन से आप समझ सकते हैं, ये हमारा सोर्स है, और इस तरह से ये एरो का निशान देख लीजिए, और इसमें एरो का निशान देखिए, ये हमारी वस्तु है। वस्तु से ऊष्मा को लिया जा रहा है, लेकिन ये कब लेगा ऊष्मा को, वस्तु से अपने आप तो नहीं ले लेगा ना, जब हम क्या करेंगे, इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, जब इसके प्लग को हम बिजली से जोड़ेंगे,
प्लग को हम लगाएंगे स्विच में, स्विच को ऑन करेंगे तब ये चालू होगा, फिर मोटर काम करेगा। मोटर काम करेगा मतलब यहाँ पे जो वर्किंग सब्सटेंस में हम अमोनिया और फ्रियोन गैस का यूज कर रहे हैं वो काम करेगा। ये काम करेगा तो क्या करेगा, काम करेगा तो उस वस्तु से जो हीट है उसको ये अवशोषित करेगा, फिर उसको कहाँ दे देगा, बाहर वातावरण में दे देगा। आप कभी फ्रिज के बैक साइड में कभी गए हैं, वहां पे जो गैस मतलब जो टंकी होता है, जो मोटर होता है, वहां पे काफी गरम गरम हमें महसूस होता है, उष्मा वहां से बाहर आपको बहुत ज्यादा महसूस होगी, आपको आसपास नहीं पता चलेगा। जैसे हम फ्रिज को देख रहे हैं, सामने से देखने में बड़ा सुंदर सा प्यारा सा दिखाई देता है, बगल से देखेंगे तो भी बहुत सुंदर दिखेगा, इधर से देखेंगे बहुत सुंदर, पीछे से कभी देखिए पीछे में आपको पूरा वायर वायर का पूरा एक जाल दिखाई देगा। अब आप पीछे में हाथ रख के ऐसे देखिए, दूर रखिएगा ना, पास में मत रखना, चटक जाओगे, ऐसे दूर रखना, दूर रखोगे तब आपको समझ, एकदम दूर भी मत रखिएगा, इतना रखिए जैसे ये मान लीजिए फ्रिज का बैक वाला पोर्शन है तो हम उससे थोड़ा सा गैप, इतना गैप में रखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पे हीट बाहर निकल रहा है, गरम गरम ऊष्मा जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, ये कार्यकारी पदार्थ कब काम करेगा, जब हम इसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे। इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये वस्तु से क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा हीट है क्योंकि उसे हमें ठंडा करना है, उसके हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद वो उसको किसको दे देगा, उष्मा स्रोत को यानी कि वायुमंडल को दे देगा। और वायुमंडल की तापीय क्षमता तो अनंत होती है ना, वायुमंडल में चाहे आप कितना भी दे दो, कितनी भी उष्मा दे दो, वो मैनेज कर लेता है। तो ये है हमारा वायुमंडल जो कि स्रोत का काम कर रहा है, ये है सिंक और ये है कार्यकारी पदार्थ। और ये प्रोसेस एक बार हुआ तो वापस ये कार्यकारी पदार्थ अपने ओरिजिनल स्टेट पे आ जाता है, मतलब प्रारंभिक अवस्था पे आएगा, फिर से वही काम ये करेगा, फिर से उस वस्तु से ऊष्मा को ग्रहण करेगा, फिर से किसे दे देगा, वायुमंडल में, और फिर से वापस अपनी अवस्था पे आ गया, फिर से ऊष्मा को लिया वस्तु से, फिर से किसको दे दिया, हीट सोर्स को, एक्स्ट्रा हीट को बाहर कर दिया, और यही प्रोसेस बार बार चल रहा है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं उत्क्रमणीय इंजन, बार बार ये प्रोसेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन ये केवल तभी तक होगा जब तक कि कार्यकारी पदार्थ है। मान लीजिए हमारे पास सब कुछ है, फ्रिज काम कर रहा है, यहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, मोटर तो काम करना चाह रहा है, लेकिन उसके अंदर का जो फ्यूल है, जो ईंधन है, जो अमोनिया गैस है, जो फ्रियोन गैस है, वो अगर उसके अंदर नहीं है तो वो इधर से ऊष्मा को कैसे लेगा। इसी वजह से जो वस्तु होती है वो ठंडी नहीं हो पाती, क्योंकि इसको काम करने के लिए जो ईंधन चाहिए वो है ही नहीं, वो खत्म हो गया, तो यहाँ से जो वस्तु है उसका जो हीट है वो बाहर निकल ही नहीं पाएगा, और वो वस्तु वहीं के वहीं जैसा रहेगी, उसी फॉर्म पे रहेगी। और हम क्या बोलेंगे, फ्रिज वस्तु को मतलब फ्रिज जो है पानी को ठंडा नहीं कर रहा, उसको गर्म कर दिया, उल्टा ये गर्म हो रहा है तो ठंडे नहीं हो रहा है। तो इसीलिए फ्रिज के डोर को बार बार खोलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वर्किंग, क्लियर हो गया, वर्किंग बता दिया आपको मैंने, इसका डेफिनेशन बता दिया, इसका डायग्राम, और डायग्राम से ही आपको समझाना। तो यहाँ पे जो Q1 ऊष्मा है, जो वायुमंडल या स्रोत को दी गई ऊष्मा है, वो किसके बराबर होगी, इस मशीन पर किए गए कार्य और वस्तु से ली गई ऊष्मा के योगफल के बराबर होगा। और अगर हम यहाँ से किसका मान निकाले, अगर हम यहाँ से W का मान निकाले तो क्या मिलेगा हमें, Q1 - Q2 मिलेगा। लिख लेंगे सभी बच्चे अपने शब्दों में, आप लोग इसे अपने शब्दों में लिख लेंगे ना। अब हम देखते हैं कार्य गुणांक, चलिए अब हम देखते हैं कार्य गुणांक। जैसे हमने दक्षता देखा था ऊष्मा इंजन की, हमने दक्षता देखा था, अब हमें देखना है प्रशीतक का कार्य गुणांक। अब कार्य गुणांक किसको बोलते हैं, मतलब से कार्य करने की क्षमता। चलिए देखते हैं कार्य गुणांक किसको कहते हैं, प्रशीतक का कार्य गुणांक या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। कार्य गुणांक को हम कहते हैं वस्तु से ली गई ऊष्मा बटे कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य, है ना, कार्य गुणांक, प्रशीतक का कार्य गुणांक, परफॉर्मेंस फैक्टर। परफॉर्मेंस फैक्टर ये हमारा होता है किसके बराबर, वस्तु से अवशोषित की गई ऊष्मा, मतलब सिंक से ली गई ऊष्मा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु से अवशोषित की गई ऊष्मा, और बटे में क्या आ जाएगा, वस्तु से अवशोषित की गई ऊष्मा, और बटे में आ जाएगा कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य, कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य, ये है कार्य गुणांक। अब आप इसको परिभाषित अपने शब्दों में कर सकते हैं, प्रशीतक के कार्य गुणांक से आप क्या समझते हैं, या उत्क्रमणीय इंजन के कार्य गुणांक से आप क्या समझते हैं। तो
सिंक से या वस्तु से अवशोषित की गई ऊष्मा तथा कार्यकारी पदार्थ पर किए गए कार्य के अनुपात को वस्तु का या प्रशीतक का या फिर उस उत्क्रमणी इंजन का कार्य गुणांक कहा जाता है। और कार्य गुणांक को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया, और कार्य गुणांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, बीटा से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बीटा, और बीटा बराबर होगा हमारे पास वस्तु से अवशोषित की गई ऊष्मा। तो वस्तु से अवशोषित की गई ऊष्मा कितनी थी, Q2 थी। सिंक से ही तो हम एब्जॉर्ब करवा रहे हैं ना, तो एब्जॉर्ब कब कर रहा है, जब इस पे कार्य किया जा रहा है। अब कार्यकारी पदार्थ पर किया गया कार्य कितना है, W। अब आप यहाँ पे देखिए बीटा बराबर हमें क्या मिलेगा, Q2 तो ऑलरेडी है, W बराबर क्या होगा अपने पास, Q1 माइनस Q2 होगा इतना। चलिए अंश और हर में Q1 से भाग देने पर, अंश व हर में थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, अंश व हर में Q1 से भाग देने पर क्या मिलेगा हमें, दाएं पक्ष में अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दे किससे, Q1 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा बीटा। एंड बीटा इक्वल्स टू Q2 अपॉन में Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 होगा इतना। इसको और क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन राइट बीटा इक्वल्स टू Q2 अपॉन में Q1 अपॉन, यहाँ से देखिए Q1 इसके लिए भी इसके लिए, तो Q1 बटे Q1 करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बच जाएगा, Q2 अपॉन में Q1। क्या किया मैंने, Q1 से दोनों अंश और हर में भाग दे दिया, तो ऊपर वाला हिस्सा हो गया हमारा Q2 अपॉन में Q1, और बटे में क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2, और बटे में फिर से आ गया हमारे पास Q1। तो जब Q1 को हम Q1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, माइनस Q2 अपॉन में आ गया हमारे पास Q1। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये वाला जो अपने पास आया है इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो इक्वेशन हो गए, ये है प्रशीतक का कार्य गुणांक। अब हम देखते हैं कार्य गुणांक और दक्षता गुणांक में संबंध क्या है, कार्य गुणांक और दक्षता गुणांक में संबंध। देखिए कार्य गुणांक और दक्षता गुणांक, दक्षता कल हमने देखा था ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है, ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा, ईटा बराबर हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 पढ़ा था हमने, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईटा बराबर 1 माइनस Q1 Q2 अपॉन में Q1। ये है ऊष्मा इंजन की दक्षता का सूत्र। तो ये ईटा को हमने दक्षता कहा है, और रेफ्रिजरेटर का क्या है, उसी को दक्षता को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कार्य गुणांक। अब बीटा और ईटा में क्या रिलेशन है, बीटा में और ईटा में, बीटा को बोलेंगे कार्य गुणांक, ईटा को बोलते हैं दक्षता, दोनों में क्या संबंध है। तो यहाँ से ईटा बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 है। तो अगर हम यहाँ से क्या करें यहाँ से देखिए इस Q2 अपॉन Q1 को आप इधर ले आइए, क्या मिलेगा आपको, आपको 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर में क्या मिलेगा, ईटा मिल गया। अब अगर हम यहाँ से इसको इधर ले आए तो ये ईटा प्लस Q2 अपॉन में Q1 बराबर में क्या बचा, 1 बचा। अगर हम यहाँ से Q2 अपॉन में Q1 का मान निकालना चाहें तो 1 माइनस क्या मिलेगा, ईटा मिलेगा। इस ईटा को आप इधर ले जाइए तो हमें Q2 अपॉन में Q1 बराबर क्या मिला, 1 तो ऑलरेडी है, ईटा इधर आके माइनस ईटा हुआ। अब आप ध्यान रखिएगा जहां पे आपको दिख रहा है 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 वहां पे हम रखेंगे ईटा, और जहां पे आपको दिख रहा है Q2 अपॉन में Q1 वहां पे आप रखेंगे 1 माइनस ईटा। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं समीकरण एक में, समीकरण एक से क्या होगा, बीटा तो ऑलरेडी अपने पास है ही, बीटा Q2 अपॉन Q1, तो Q2 अपॉन Q1 का मान देखिए कहाँ पे है, Q2 अपॉन Q1 1 माइनस ईटा, सो वी कैन राइट 1 माइनस ईटा अपॉन 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, यहाँ देखिए 1 माइनस Q2 अपॉन Q1, इसको क्या बोल रहे हैं, ईटा, तो ये आ गया ईटा। तो एक रिलेशन बन गया अपने पास, बीटा बराबर क्या मिला हमें, बीटा बराबर हमें मिल गया 1 माइनस ईटा अपॉन में ईटा। तो इसे हम लिखेंगे बीटा जो है रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक है, ये बराबर है 1 माइनस ईटा अपॉन में ईटा के। ये इक्वेशन नंबर हमारा कौन सा बन गया, इक्वेशन नंबर हमारा बन गया थर्ड। अब यहां से थोड़ा सा और इसको अगर हम सिंपलीफाई करें तो क्या आएगा, चलिए एक बार अभी आपको और बता देंगे, इसको टेंशन नहीं लीजिएगा, बहुत सरल है। यहां से
अगर हम ईटा और इसका गुणा कर दें तो ये हमें मिलेगा ईटा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस ईटा मिलेगा इतना। ये माइनस ईटा को अगर हम इधर ले आए तो क्या मिलेगा हमें, ईटा इंटू बीटा माइनस ईटा इधर आके प्लस ईटा इक्वल्स टू 1 मिलेगा। यहाँ से हम ईटा को कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिल जाएगा बीटा और यहाँ मिलेगा 1 इक्वल्स टू क्या मिला 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ईटा बराबर 1 अपॉन में, ये बीटा प्लस 1 है तो इसको हम 1 प्लस बीटा तो लिख ही सकते हैं ना। देखिए इक्वेशन नंबर 4, तो ये ईटा और बीटा में संबंध है। ये पहला रिलेशन है कि हम बीटा बराबर 1 माइनस ईटा अपॉन में ईटा लिख सकते हैं, या फिर हम ईटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में 1 प्लस बीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर हमें मान लीजिए ईटा का मान पता हो और हमें बीटा ज्ञात करना है तो भी हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें बीटा का मान पता और ईटा ज्ञात करना है तो भी हम यहाँ से डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बीटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि कार्य गुणांक, और ईटा क्या है आपका दक्षता गुणांक। चलिए ये हो गया रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक, कार्य गुणांक दक्षता गुणांक में संबंध भी हो गया। अब एक बार इसको बिना देखे बना लेते हैं, थोड़ा सा डेरिवेशन बस है ये, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना है फिर आज ये चैप्टर खत्म। हमें पढ़ना है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम और उसके बाद फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा आज ओवर। चलिए जो पढ़ा हमने देख लेते हैं, प्रशीतक के कार्य गुणांक तथा दक्षता में संबंध, दक्षता मतलब ईटा, कार्य गुणांक मतलब बीटा में संबंध, यहाँ पे लिख लीजिएगा बीटा। चलिए रिलेशन बिटवीन बीटा एंड ईटा, चलिए फटाफट देखते हैं क्या देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले। बीटा, बीटा जो है कार्य गुणांक है, ये बराबर होता है किसके, अवशोषित की गई ऊष्मा अपॉन वर्क डन, तो ये अपने पास आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे क्यू टू अपॉन में क्यू वन माइनस क्यू टू। फिर आ जाएगा अपने पास बीटा बराबर क्यू टू बटे में हमने कर दिया क्यू वन, और यहाँ पे फिर से क्यू वन माइनस क्यू टू अपॉन में आ जाएगा क्यू वन, दोनों ऊपर अंश और हर में भाग दे दिया क्यू वन से। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बीटा बराबर में, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे आ जाएगा बीटा बराबर में क्यू टू अपॉन में क्यू वन बटे में ये 1 माइनस क्यू टू अपॉन में क्यू वन, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बट वी नो ईटा, ईटा इज अ क्या है हमारा, ये इफिशियंसी दक्षता, ये बराबर होता है 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 जो कि हमने कल पढ़ा है ऊष्मा इंजन में। अब यहाँ से हमने 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 बराबर में ईटा है, तो अगर हम ना मान निकाले Q2 अपॉन में Q1 तो ये हमारा आ जाएगा 1 माइनस ईटा के, फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड बीटा इक्वल्स टू वी कैन राइट Q2 अपॉन Q1 है, तो Q2 अपॉन Q1 की जगह पे हम लिखेंगे 1 माइनस ईटा। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 माइनस ईटा लिख दिया, और Q2 1 माइनस Q2 अपॉन में Q1 है तो इस पूरे की जगह पे देखिए हमने क्या लिखा है, ईटा लिखा है। तो ये अपना एक रिलेशन बन गया इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ से हमने क्या किया, फिर ईटा और बीटा का मल्टीप्लाई किया और इधर बचा 1 माइनस ईटा, फिर ईटा बीटा प्लस ईटा इक्वल्स टू 1 हो गया इतना, माइनस ईटा इधर आके प्लस हो गया, ईटा को हमने कॉमन निकाल लिया तो ये बचा बीटा प्लस 1 या 1 प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। देन आफ्टर वी कैन राइट ईटा इक्वल्स टू 1 अपॉन में 1 प्लस बीटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये दोनों समीकरण 3 और समीकरण 4 जो है ईटा और बीटा में संबंध को प्रदर्शित करते हैं। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को, बोलिए जल्दी से। रेफ्रिजरेटर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है सभी बच्चों का, जितने भी बच्चे हमारे साथ अभी पढ़ रहे हैं, क्या आप सभी बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ओके वेरी गुड, सभी बच्चों से बन गया। चलो ठीक है, लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। जीरो नियम हमने पढ़ लिया, फर्स्ट लॉ भी हमने पढ़ लिया, अब सेकेंड लॉ पढ़ते हैं। सेकेंड लॉ तो और भी ज्यादा आसान है क्योंकि सेकेंड लॉ इससे पहले हमने पढ़ भी लिया है।
उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, उष्मागतिकी का द्वितीय नियम, इसमें नाम से आता है, दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने कथन दिए हैं, अपना अपना स्टेटमेंट दिया है सेकंड लॉ को लेकर, तो उनके नियम को लिखने के लिए आता है। उष्मागतिकी से संबंधित केल्विन का नियम और क्लासियस के कथन को लिखिए, केल्विन और ये इसको बोलते हैं केल्विन प्लैंक का कथन, है ना, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट और क्लासियस स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आते हैं, तो उसको हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, और ये बड़ा इजी लॉ है। इजी लॉ कहने का मतलब ये है कि हम जानते हैं कि हम कार्य को उष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, उष्मा को हम कार्य में भी परिवर्तित कर सकते हैं, और इसी के बेसिस पे केल्विन प्लैंक ने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया, एक स्टेटमेंट दिया है, और क्लासियस ने भी हमें एक स्टेटमेंट दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं केल्विन प्लैंक का कथन, सबसे पहले किसका है, केल्विन प्लैंक का कथन, इनका स्टेटमेंट। ये क्या कहते हैं, ये बोलते हैं किसी इंजन के लिए नियत ताप पर किसी स्रोत से ऊष्मा अवशोषित करके उसकी संपूर्ण मात्रा को कार्य में रूपांतरित करना असंभव है। मतलब देखो इन्होंने क्या कहा, किसी इंजन से या किसी इंजन के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी सोर्स से हीट एब्जॉर्ब करके उसे टोटली वर्क डन में कन्वर्ट कर पाना इम्पॉसिबल है। समझ में आया, अब ये क्या करेगा, हीट लेगा। जैसे मान लीजिए किसी को हीट चाहिए, Q1 ऊष्मा चाहिए, तो ये किससे लेगा, सोर्स से लेगा। आपको याद नहीं करना है ना, आपको समझना है। मान लीजिए Q1 ऊष्मा कहाँ से लिया जा रहा है, सोर्स से लिया जा रहा है, किसके लिए, किसी इंजन को काम कराना है हमें, तो हम ऊष्मा को काम में बदलना चाहते हैं, ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो Q1 ऊष्मा इसने लिया, तो Q1 ऊष्मा कहाँ से लिया गया, सोर्स से लिया गया। इसे पूरी तरह से वर्क डन में बदल जाना इम्पॉसिबल है, कभी नहीं हो सकता, ऐसा इन्होंने कहा है। किसने, केल्विन प्लैंक ने कहा है। तो उष्मागतिकी का नियम यही है कि आज तक ऐसा कोई भी मशीन नहीं बना है, ऐसा कोई भी इंजन नहीं बना है जो अवशोषित की गई उष्मा को पूरी तरह से कार्य में बदल दे। यही एक इसका मेन कॉन्सेप्ट है, चाहे वो क्लासियस का हो या फिर आपका केल्विन प्लैंक का हो। उष्मागतिकी का द्वितीय नियम का अगर हम कंक्लूजन निकाले तो कंक्लूजन यही कहता है कि आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो कंप्लीट हीट को वर्क डन में कन्वर्ट कर दे, या वर्क डन को कंप्लीट हीट में कन्वर्ट करे, ऐसा कोई मशीन नहीं है। जब हम किसी भी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा का कुछ ना कुछ भाग वातावरण में चला ही जाता है, वेस्ट हो ही जाता है, जिसका प्रयोग हम नहीं कर पाते। जस्ट लाइक हमने पानी गर्म किया तो बर्तन गर्म हुआ, ऊष्मा बाहर निकल रही है, आखिर ऊष्मा का क्षय तो हो रहा है ना, पानी तो गर्म हुआ लेकिन पहले बर्तन गर्म हुआ, और बर्तन के गर्म होने से ऊष्मा बाहर निकल रही है और वातावरण में जा रही है। इसी तरह से हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी है चाहे एक्टिवा है, चाहे कोई भी गाड़ी हो, चाहे बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, अब हम वहां पे देख रहे हैं कि जैसे हम मान लीजिए टू व्हीलर की हम बात करते हैं, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चल तो रही है, पेट्रोल से काम हो तो रहा है, लेकिन साइलेंसर तो क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है, साइलेंसर गर्म हो गया, वहां से वो धुआं फेंक रहा बाहर, मतलब वो भी तो हीट ही है, वहां से हो गया, चले इंजन भी हमारा गर्म हो जाता है, गाड़ी गर्म हो जाती है, मतलब वहां से ऊष्मा क्या हो रहा है, अच्छा है, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप से हो रहा है। तो ली गई संपूर्ण ऊष्मा को कार्य में बदल पाना असंभव है, ये किसने कहा है, केल्विन प्लैंक ने कहा है। और जो दूसरे हमारे पास साइंटिस्ट है वो है कौन, क्लासियस। इन्होंने प्रशीतक के कार्य को लेकर कहा है, क्या कहा है इन्होंने, किसी प्रक्रम में बाह्य कार्य किए बिना अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु से ऊष्मा को अपेक्षाकृत गर्म वस्तु में स्थानांतरित करना असंभव है। ये इन्होंने किसको लेकर कहा है, इन्होंने इंजन को लेकर बोला है, इन्होंने हीट इंजन को लेकर बोला, जैसे कि हमने ऊष्मा इंजन की बात की है, ऊष्मा इंजन क्या कर रहा है, Q1 ऊष्मा को ले रहा है, W कार्य कर रहा है, और Q2 ऊष्मा किसको दे रहा है, ये सिंक को दे रहा है। ये किसको लेकर बात किया, इन्होंने इंजन को लेकर बात किया, ऊष्मा इंजन है या कार्नो इंजन है जो भी। और दूसरा जिन्होंने कहा है वो फ्रिज को या रेफ्रिजरेटर को लेकर कहा है, क्लासियस का कथन। मैं कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ,
ये सिर्फ आपको याद होना चाहिए कि केल्विन प्लैंक ने किसको लेकर कहा है, इंजन को लेकर। कौन से इंजन? आप ऊष्मा इंजन को याद कर लीजिएगा। कार्नो इंजन चूंकि इस साल आपके टॉपिक से, आपके सिलेबस से हट गया है, इसलिए हम कार्नो इंजन अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आगे चल के मौका मिला तो मैं इसका वीडियो भी जरूर अपलोड कर दूंगी। फिलहाल आज अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं कार्नो इंजन। तो इस तरह से ऊष्मा इंजन को आप याद कीजिएगा। ऊष्मा इंजन को लेकर केल्विन प्लैंक ने स्टेटमेंट दिया है कि अवशोषित की गई ऊष्मा को पूरी तरह से कार्य में बदल पाना असंभव है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ केल्विन प्लैंक। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज क्लासियस। क्लासियस ने क्या कहा है? इन्होंने रेफ्रिजरेटर को लेकर कहा है कि किसी वस्तु पर बाह्य कार्य, मतलब हम क्या कर रहे हैं, बाह्य कार्य कर रहे हैं, किसी प्रोसेस में, किसी प्रक्रम में बाह्य कार्य किए बिना ठंडी वस्तु से ऊष्मा को गर्म वस्तु में स्थानांतरित करना असंभव है। ठंडी वस्तु, देखिए अब हम फ्रिज की बात करते हैं, फ्रिज से ही लेके समझते हैं, ठीक है। ये हमने फ्रिज है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोर्स है। सोर्स मतलब ये हमारा वायुमंडल है, ये हमारा वायुमंडल है जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। ये हमारा वर्किंग सब्सटेंस है, कार्यकारी पदार्थ है। ये रेफ्रिजरेटर की बात करें तो मैंने आर लिख दिया। यहाँ पे अपने पास सिंक है। सिंक मतलब हमारी वो वस्तु है जिसको हमें ठंडा करना होता है। तो ये जो वर्किंग सब्सटेंस है हमारा, जो कार्यकारी पदार्थ है, अमोनिया, ये अपने आप काम नहीं करता। ये अपने आप काम करता है क्या? नहीं करता। ये कब काम करेगा? जब हम इलेक्ट्रिसिटी से इसे कनेक्ट करेंगे, जब हम विद्युत ऊर्जा इसे देंगे, तो इसका जो मोटर है, विद्युत मोटर, वो काम करेगा। विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देगा? यांत्रिक कार्य में बदलेगा। तब फिर ये अमोनिया क्रियाशील होगा और उस वस्तु से ऊष्मा को ग्रहण करेगा, अवशोषित करेगा। अब इस वस्तु से ऊष्मा को अवशोषित किया, इसका टेम्परेचर कम है। यहां से वस्तु को क्या किया, ऊष्मा को अवशोषित किया। कब? जब इसने W काम किया, तब जाके से Q2 ऊष्मा को अवशोषित किया। उससे पहले अमोनिया गैस भी उसमें भरी हुई थी, वस्तु भी फ्रिज में रखा हुआ है। आप इमेजिन करिए, ये हमारा फ्रिज है, इसके अंदर हमने वस्तु को रखा है, इसके अंदर हमने गिलास पानी रख दिया है। अब फ्रिज भी हमारा बिल्कुल नया है, बस हमने क्या किया, इसका जो कनेक्शन है हमने स्विच से नहीं किया है, इसका कनेक्शन हमने स्विच से नहीं किया है। तो इसमें अमोनिया गैस भी भरी है, वस्तु भी रखा है, वायुमंडल भी है, लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसे काम करने के लिए किसकी जरूरत है? विद्युत ऊर्जा की जरूरत है। विद्युत ऊर्जा मिलेगा तो जो विद्युत मोटर है वो इस वर्किंग सब्सटेंस के माध्यम से इस वस्तु से ऊष्मा को ग्रहण करेगा और उसके बाद वो उसे कहाँ दे देगा? वायुमंडल में दे देगा। तो इन्होंने ये कहा है क्लासियस ने कि बाह्य काम हमें करना पड़ रहा है। बाह्य काम किसके द्वारा किया जा रहा है? विद्युत ऊर्जा के द्वारा किया जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। एक्सटर्नल वर्क मतलब ये एक्सटर्नल वर्क ही हुआ ना, बाहर से जब तक हम इसको सप्लाई नहीं देंगे तब तक ये काम नहीं करेगा। तो किसी प्रक्रम में या किसी प्रोसेस में बाह्य कार्य किए बिना, एक्सटर्नल वर्क डन किए बिना, किसी वस्तु से या ठंडी वस्तु से ऊष्मा को लेकर अधिक वस्तु पे या गर्म वस्तु तक स्थानांतरित करना, ट्रांसफर करना असंभव है। मतलब कोई एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हम एक्सटर्नल वर्क डन ना करें, मतलब किसी प्रक्रम में बिना बाह्य कार्य किए ठंडी वस्तु से ऊष्मा को लेकर गर्म वस्तु में स्थानांतरित करना असंभव है। ये है क्लासियस का कथन। ये किससे रिलेटेड है? रेफ्रिजरेटर से। ये किससे रिलेटेड है? इंजन से, हीट इंजन से। तो इस तरह से ये दो, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, दो स्टेटमेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का या 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, पूछा जा सकता है कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से संबंधित केल्विन प्लैंक का कथन तथा क्लासियस के कथन को समझाइए। तो आपको इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है हीट इंजन का और रेफ्रिजरेटर का, तो आप इसे अपने शब्दों में सामने वाले को अच्छे से अच्छे शब्दों में समझा। अगर आपके बोल दिया ना किसी ने कि निबंध लिख दो, तो आप निबंध भी लिख देंगे। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और फिजिक्स में निबंध देखने की जरूरत नहीं होती, हिंदी थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ऊष्मा गति का द्वितीय नियम समझ में आया। दुनिया में आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो पूरी तरह से ऊष्मा को कार्य में बदल सके, बस। या ऐसा कोई फ्रिज नहीं बना है जिसे बिना करंट सप्लाई किए वो वस्तु को ठंडा कर दे, बस। यही है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। चलिए ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल क्लियर है? वेरी गुड। चलिए, जब आप लोग बोलते हैं ना मैडम ऑल क्लियर है, तो मुझे लगता है कि चलो मेरी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं हुई, आप तक पहुंच गई। अगर मेरी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, मतलब मेरा यहाँ पे 1 घंटे तक बोलते रहना सक्सेसफुल हो गया।
नहीं तो ऐसा लगता है मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन शायद ही ऐसा हुआ होगा। चलिए ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता है, ऊष्मागत की हमारा खत्म होता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं बच गए हैं, मैं देखती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो हम उसको करा देंगे, अदरवाइज एक दो क्वेश्चन होगा तो फिर मैं आपको सीधे नए चैप्टर पे लेके चलूंगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस यूनिट 9, गैसों का अणुगति सिद्धांत। ये भी काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, एज ए फिजिक्स है ही मज़ेदार, जिस चैप्टर की बात करें हर चैप्टर में मज़ा आता है। ठीक है, तो आगे हम अगली क्लास में पढ़ते हैं, जो भी मैंने बताया है, जितना भी मैंने आपको समझाया है, सबका आप नोट्स बना लीजिए। ऐसा जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो बिना नोट्स के कभी पढ़ाई नहीं करता, वो अपना नोट्स खुद बनाता है। बुक में तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको टीचर की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे तो बुक से भी तो पढ़ सकते हैं ना, लेकिन क्यों टीचर की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि बुक में जो चीज़ें लिखी होती है, टीचर उसे आपको आसान करके बताता है। और अगर हम बुक ही पढ़ना होता तो हम स्कूल क्यों जाते? हम टीचर से क्यों पढ़ते? हम खुद ना पढ़ लेते, खुद पढ़ लेते ना। तो इसीलिए बुक में सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी आपका खुद का बनाया हुआ नोट्स आपके लिए रामबाण है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया और केवल आप रीड करते, केवल आप पढ़ते हैं, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। सबसे अच्छा है कि आप अपने खुद के नोट्स खुद बनाइए और एग्जाम टाइम पे आप उसे ही पढ़िए। और बाकी बच्चे क्या करते हैं, साल भर बुक पढ़ेंगे, आखिरी में आ जाते हैं परीक्षा बोर्ड, परीक्षा सार पे। तो ये बहुत बहुत ही गलत काम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। भाई हमने साल भर मेहनत की है, साल भर हमने बुक पढ़ा, और जो कंटेंट हमें बुक में मिलेगा, क्या वो हमें इतने पतले से परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो कौन यूज करता है? वो बच्चा तभी यूज करता है जब वो साल भर कुछ नहीं पढ़ा होता है, साल भर उसने बुक को हाथ नहीं लगाया होता, वो बच्चा आ जाता है परीक्षा बोर्ड परीक्षा सार पे, क्योंकि उसको पास होना होता है। तो आप जो है पूरे बुक को पढ़िए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, अगर आप आगे और अपना करियर अच्छा बनाना चाहते हैं इस फील्ड में, तो नहीं तो जयराम जी की, जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। चलिए ठीक है, काफ़ी ज़्यादा लेक्चर हो गया, आज के क्लास में बस इतना ही। जाइए, खुश रहिए, खाना खाइए, सो जाइए, और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको चिंतन मनन करते करते सोइएगा। थ्योरी को ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, सोते सोते भी अगर हम अगर सोचने लगे कि आज मैडम ने क्या बताया था, हम लेटे हुए हैं और सोच रहे हैं कि आज मैडम ने ऐसा ऐसा कहा था, बस उतने में हमको याद हो जाएगा वो, बस इतना ही कीजिएगा। ठीक है, तो कोई भी डाउट है, दिक्कत है, तकलीफ है, टेलीग्राम अदरवाइज यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे आप लिख ही सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो सकता है, या हो सकता है कि न्यू चैप्टर हो आपका। तब तक सभी बच्चों को शुभ रात्रि, जय जोहर, राम राम, फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।